बेटा देखिए, बोर्ड पर मैंने लिखा है माइक्रोब्स का इस्तेमाल बायोगैस में कैसे करते हैं। मैं आपको अपने बचपन की कहानी सुनाता हूँ कि हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो हमने देखा कि एक व्यक्ति है जिसने 3-4 भैंसे पाल रखी है। भैंस का गोबर ले आके वो बायोगैस के अंदर, मतलब एक ऐसे बड़ा सा टैंक होता था, उसके अंदर पानी को मिला के उस टैंक के अंदर डाल देता था। फिर टैंक में ऊपर से एक ढक्कन होता था, बंद कर देते थे। मैंने कई बार देखा कि जब हम लोग लौटते वक्त थे, जाते वक्त ऐसा देखते थे और लौटते थे तो अक्सर ऐसा देखते थे कि उसके अंदर जो गोबर पड़ा हुआ उसको निकाल के बाहर फेंक के देते थे। हमें शुरू शुरू में ये समझ में नहीं आया कि सुबह गोबर डालते हैं, शाम को गोबर निकालते हैं, ये समझ में नहीं कुछ शुरू शुरू आया। बाद में पता चला कि ये बायोगैस है, इस पे जो है इसके अंदर जो है गैस का फॉर्मेशन होता है और वो जो गैस होती है उससे जो है लाइट जलाई जाती है, उससे जो है बर्नर में जो है लाइट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब गैस जलाई जाती है, इसलिए इसको बायोगैस कहा जाता है। आइए, जो हमने बचपन में देखी वो बात एनसीईआरटी ने डाली आपके यहाँ और फिर आपको सिखाने का प्रयास किया कि बायोगैस को बनाया कैसे जाता है, बायोगैस का जो सिस्टम है, जो सेटलमेंट है वो कैसे होता है, इसको हम लोग आइए देखते हैं इस क्लास में। तो अगर आप देखें तो बायोगैस के बारे में सबसे पहले एनसीईआरटी लिखती है कि बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। बायोगैस जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। लेकिन एनसीईआरटी ने एक बात और लिखी है, क्या लिखी है देखिए, एनसीईआरटी ने लिखा प्रीडोमिनेंटली मीथेन, मतलब उसमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो मीथेन पाई जाती है। प्रीडोमिनेंटली कौन बेटा? मीथेन। तो अब आपको पहला बात याद हो जाना चाहिए कि बायोगैस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। लेकिन ये कोई एक गैस नहीं है कि मीथेन केवल पाई जाती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। प्रीडोमिनेंट मीथेन बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्मड बाई माइक्रोब्स। फॉर्मड बाई बेटा देखो माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स हैं उनके द्वारा बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, ये पहली लाइन एनसीईआरटी ने लिखा। दूसरी लाइन लिखा कि अगर आप इडली में देखते हैं, डोसा में देखते हैं, इडली एंड डोसा में अगर देखें तो CO2 जो होती है, इसका जो CO2 जो होती है, ये जो उनका पफ्ड अप अपीयरेंस है, मतलब वो जो फूले रहते हैं, पफ्ड अप अपीयरेंस है, वो CO2 के कारण होती है। तो आपको ये बात क्लियर करना है कि जो इडली और डोसा में जो स्वेलिंग होती है, जो मतलब फूलना होता है, वो CO2 के कारण होता है, जबकि बायोगैस में जो मेजर गैस है वो मीथेन है। एनसीईआरटी ने ये भी बात लिखी है, इसलिए क्लियर किया है कि कभी आप ऐसा ना सोच पाए कि मीथेन जो बायोगैस है उसमें CO2 पाई जाती है। पाई जाती है, लेकिन मेनली कौन सी गैस पाई जाती है? CH4 मतलब मीथेन पाई जाती है। अगर आप इस बायोगैस का स्ट्रक्चर देखें तो बायोगैस का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये बनाते हैं। सबसे पहले जमीन में, ये देखिए, जमीन में ऐसे एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं। पहले ये ऐसे एक टैंक बनाते हैं कंक्रीट का। इस टैंक का नाम अगर आप देखें तो इस टैंक का नाम वो लोग डाइजेस्टर रखते हैं, मतलब ये इस टैंक का नाम अगर आप देखें तो एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि ये डाइजेस्टर है, ये डाइजेस्टर है। अगर इस बात को यहां पर लिखना चाहें तो सबसे पहले 10 से 12 फीट का एक डाइजेस्टर टैंक बनाते हैं, डाइजेस्टर टैंक बनाते हैं। ये देखिए 10 से 12 फीट का एक डाइजेस्टर टैंक बनाते हैं जमीन के अंदर। जमीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं, एक डाइजेस्टर टैंक बनाते हैं। जब ऐसा कर लेते हैं तो इसके अंदर यहां पर देखिए बगल में एक ऐसे यहां पर साइफन बनाते हैं, इस तरह का एक साइफन इधर बनाते हैं, एक साइफन इधर बनाते हैं। इस साइफन में यहां पर ऐसे खुला रहता है, यहां पर ऐसे खुला रहता है ताकि चीजें इसके अंदर जा सके, ऐसे यहां खुला रहता है। यहां पर हम लोग स्लरी डालते हैं, ये देखिए स्लरी, मतलब ये इसका इंगलेट है, ये इंगलेट है। तो अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्लरी है क्या। तो अगर आप स्लरी को देखें, आप एक एक शब्द क्लियर करते जाएं क्योंकि स्लरी ही पूछा जाता है। तो स्लरी वो चीज है जिसमें डंक मतलब गोबर के साथ वाटर को मिला देते हैं। जब डंक और वाटर एक साथ मिक्स करते हैं तो इसे हम लोग स्लरी कहते हैं। पानी और गोबर को मिलाते हैं ताकि गोबर उसके अंदर आसानी से चला जाए।
तो ये स्लरी जो है, अगर आप यहां लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें, एनसीईआरटी ने लिखा है तो हम भी लिखेंगे, ये ड्रंग है और ये वाटर है, इसको हम दोनों मिला देते हैं। जब यहां पर काम हो जाता है जायस्टर टैंक में, तो ये आउटलेट है जहां पर कचरा निकाल के बाहर कर देते हैं। इस कचरे को हम लोग स्लज कहते हैं। इस्तेमाल होने के बाद जब यहां गैस बन जाती है, इसके बाद इसको निकाल के ये जो कचरा वाला होता है स्लज कहते हैं। यहां पर इस जगह पर एक होल्डर लगा देते हैं, गैस का होल्डर लगा देते हैं। ये देखिए, ये होल्डर लगा देते हैं, यहां से एक आउटलेट लगा देते हैं जिससे गैस बाहर जाती है। ये देखिए, ये एक खास तरह का होल्डर होता है प्लास्टिक का, जब गैस बनती है तो ये होल्डर ऊपर की तरफ उठ जाता है, जब गैस कम हो जाती है तो होल्डर फिर से नीचे बैठ जाता है। तो अगर आप देखें तो इस तरह से कुछ सेटलमेंट है इसका। अब ये जो डाइजेस्टर है, ये जो डाइजेस्टर है, इस डाइजेस्टर में खास तरह के मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। मिथेनोजेंस खास तरह के बैक्टीरिया हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर आप इन मिथेनोजेंस का एक्सप्लेनेशन देखें तो आप ऑलरेडी पहले भी बायो में इसको क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, हम आपको एक बार फिर से याद करा देते हैं कि ये देखिए मिथेनोजेंस माने होता है, मिथेनोजेंस माने अगर आप देखें ये तो मिथेनोजेंस माने होता है मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मिथेन प्रोड्यूसिंग क्या बेटा? बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जिनसे मिथेन का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम लोग मिथेनोजेंस कहते हैं। ये बैक्टीरिया एनएरोबिक होते हैं, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में सरवाइव करते हैं, एनएरोबिक होते हैं, मतलब ये एनएरोबिक होते हैं। अगर आप इनको देखें तो जब आप एसटीपी पढ़ रहे थे, अगर आप एसटीपी पढ़ रहे थे तो एसटीपी में आपने इन्हीं बैक्टीरिया को एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में देखा था, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में देखा था, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में देखा था। ये देखिए एसटीपी, जब आपको मैंने बीपी पढ़ाया, मेरे आप वीडियोस देखेंगे एसटीपी वाले तो आपको मिलेगा कि ये एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में मिलता है, दूसरा आपको यहां मिलता है, दूसरा ये तीसरा जो है इसकी जो लोकेशन है ये रूमिनेंट्स में मिलता है। रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? अगर आप हिंदी में लिखें तो ये वो जीव होते हैं जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले हैं। जुगाली करने वाले मतलब पहले एक चबाखाना खा लेते हैं, फिर खाली खाली समय में बैठ के ऐसे 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 करते रहते हैं। इन रूमिनेंट्स का अगर आप स्टमक देखें तो चार चैम्बर होता है, इनके स्टमक में चार चैम्बर होता है, जो सबसे बड़ा चैम्बर होता है उस चैम्बर को रूमेन कहते हैं। ये कौन सी जगह है रूमिनेंट्स में? गाय हो गई, भैंस हो गई, इसी जगह पाए जाते हैं। रूमेन सबसे बड़ा चैम्बर होता है। अगर आप इनके स्टमक के चैम्बर देखते हैं तो उसमें चार चैम्बर नाम होते हैं, एक होता है रूमेन, एक होता है रूमेन, एक होता है ओमैसम, ये देखिए ओमैसम होता है, एक होता है रेटिकुलम, ये सब चैम्बर के नाम है इसके स्टमक के, और एक होता है एबोमैसम। तो उनमें भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मतलब आप समझें कि गाय भैंस के भी पेट में इस चैम्बर में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। अगर आप मिथेनोजेंस का एक नाम देखें, रूमेन में पाया जाता है, ये यहां पर रूमेन में ये बैक्टीरिया सेलुलोज का डाइजेशन कराता है। सेलुलोज का क्या कराता है बेटा? डाइजेशन कराता है, सेलुलोज का डाइजेशन कराता है। ये देखिए रूमेन में ये बैक्टीरिया सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपको ध्यान रखना है ह्यूमन में नो सेलुलोज डाइजेशन, मनुष्य के केस में नो सेलुलोज डाइजेशन, मनुष्य के केस में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है कभी भी। आप डाइजेशन चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ लिए हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है, नो सेलुलोज डाइजेशन। आपसे पूछा गया है, अगर आपसे कोई पूछे बैक्टीरिया का नाम क्या है तो आप कहेंगे सर एक बैक्टीरिया तो इन्होंने लिखा ही गया ऑलरेडी, वो बैक्टीरिया जो है उसका नाम मिथेनोबैक्टीरियम है। मिथेनोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है मिथेनोजेंस के ग्रुप का, जिस बैक्टीरिया को आप तीन जगह देख सकते हैं, वो मिथेनोबैक्टीरियम डाइजेस्टर टैंक में पड़ा हुआ है, वो मिथेनोबैक्टीरियम एसटीपी के एनरोबिक डाइजेस्टर टैंक में पड़ा है, वो मिथेनोबैक्टीरियम रूमिनेंट्स में पड़ा हुआ है। और ये मिथेनोबैक्टीरिया कर क्या रहा है? ये जो है एक खास तरह का एनरोबिक रिस्पिरेशन कर रहा है जिसके द्वारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम लोग बायोगैस कह रहे हैं। हम पूरे गोबर को उठा के इस डाइजेस्टर टैंक में डालते हैं, जहां पर उस डाइजेस्टर टैंक में जो गोबर है, जो उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट है,
उसका डाइजेशन होता है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट का जब डाइजेशन होता है तो गैसेस निकलती हैं, ये होल्डर ऊपर हो जाता है, और फिर जब होल्डर ऊपर जाता है तो गैस निकलती है जिसे हम लोग बायोगैस कहते हैं। इसकी दो जगह इस्तेमाल करते हैं, एक तो लाइट में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे को जलाने में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आप देखें तो दो जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ कहाँ पे, लाइट में और इन्फ्लेमेशन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और फिर लगातार गैस निकलती रहती है, इससे गैस निकलती रहती है और हम इस्तेमाल करते रहते हैं। जब यहाँ पर पूरा गैस खत्म हो जाता है, यहाँ पर गैस बंद हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये होल्डर अपने आप डाउन हो जाता है, फिर इस कचरे को निकाल के हम इससे बाहर कर लेते हैं। इस तरह से ये बायोगैस इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया। अगर आप देखें तो इसको प्रमोट करने वाले दो सिस्टम है इंडिया में जो इसको प्रमोट करते हैं, प्रमोशन का काम करते हैं। अब वैसे भी इसका इस्तेमाल लोगों ने कम कर दिया है, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। पहला है जिसको हम लोग KVIC कहते हैं, KVIC का आप फुल फॉर्म देखें तो इसका है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये एक संस्था है इंडिया में जो बायोगैस प्लांट को प्रमोट करती थी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये पहली संस्था हो गई जो बायोगैस सिस्टम को प्रमोट करती है। दूसरा जो है वो IARI है। अगर IARI को देखें तो इसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये देखिए, ये दो संस्थाएं हैं इंडिया में, KVIC और IARI, जो इस तरह के सिस्टम को, मतलब बायोगैस प्लांट को प्रमोट करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय इसका इस्तेमाल करें। वैसे अभी जो है वर्तमान में हम लोग गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, LPG का इस्तेमाल कर रहे हैं। LPG ने इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है, मतलब जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। भारत में इसमें उज्ज्वला योजना चल रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, जब से उज्ज्वला गवर्नमेंट आई है, उज्ज्वला योजना आई है, तब से ये जो प्रोजेक्ट है बायोगैस के, जो बायोगैस प्लांट आप देख रहे हैं, इस बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल लोगों ने कम कर दिया है, मतलब इसका इस्तेमाल कम हो रहा है भारत में। अब किसका इस्तेमाल हो रहा है, अब मेनली इस्तेमाल हो रहा है भारत में किसका, LPG का इस्तेमाल।